हेलो गाइज, आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आज हम लोग पाइल के बारे में सारी डिटेल जानेंगे, कैसे होता है, क्या क्या होता है, स्टार्टिंग टू एंड। ये देखिए गाइज, यहाँ टर्नल स्टार्टिंग पॉइंट है, यहीं से निकलेगा बाहर को। वैसे तो ये सारी जानकारी पहले वाले वीडियो में बता दिए थे, जिसमें टर्नल स्टार्टिंग एंड पॉइंट, वो वाला वीडियो देख लीजिएगा गाइज बाकी जानकारी के लिए। और आगे देखते हैं, वैसे ठीक इसमें भी ऐड कर देते हैं गैच, आप लोग देख लीजिएगा, उसको भी देख लीजिएगा। ये देखिए, इसी में देखिए पैनल कैसे होता है। ये पाइल, ये पहले ऑगर के मदद से मिट्टी को हटाया जाता है। उसके बाद इसमें केसिंग डाला जाता है गैच। केसिंग डालने के बाद इसमें बकेट के द्वारा मिट्टी को निकाला जाता है विद द हेल्प ऑफ पॉलीमर। ये पॉलीमर मिक्स है गैच जो पानी गिर रहा है। और उसके बाद इसमें जाल डाला जाता है, जो कि 25 मीटर के आसपास का बोरिंग होता है, 35 रिक्वायरमेंट के अनुसार होता है गैच। उसके बाद कंक्रीट किया जाता है। चार पैनल का ग्रुप होता है गैच, चार पैनल का ग्रुप होता है, और चारों को कंक्रीट होने के बाद ज्वाइंट किया जाता है एक साथ। ज़रूरी नहीं है कि चार ही पैनल होगा, इसमें पांच भी पैनल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर रिक्वायरमेंट चार की है। हाँ, जैसे कि मैं सूरत में काम कर रहा था बुलेट ट्रेन में, तो वहाँ मिडल में भी एक पैनल था, पांच पैनल का ग्रुप था गैज, तो चार भी हो सकते हैं, पाँच भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर रिक्वायरमेंट है चार की, तो यहाँ पर चार हैं गैज। चारों पैनल को ज्वाइंट करके एक पिलर बनता है गैज। देखिए, इसको पाइल कैप बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को, ऊपर वाले कैप को पियर गैज, और ये नीचे वाले चारों हैं उनको पाइल्स बोलते हैं गैज। और ये कंक्रीट का वीडियो देखते हैं गैज, थोड़ा सा कैसे कंक्रीट होता है नीचे से ऊपर के हाइट। सिर्फ ये सबका हाइट अलग होता है गैज, 9 to 10 नहीं। तो देखिए, ये पाइल तैयार हो गया। चार पाइल तैयार होने के बाद इनको पाइल हेड को रिमूव किया जाता है ऊपर से, ये रिमूव हो गया है, और इसके ऊपर ये पाइल कैप तैयार हुआ। पाइल कैप के ऊपर ये जो है उसको बैरियर तैयार हुआ गैज। पहले पाइल कैप कंक्रीट होगा, इसको पाइल कैप बोलते हैं गैज, जो कंक्रीट हुआ, और इसके ऊपर जो एरिया है जो अभी कंक्रीट नहीं हुआ है उसको पियर बोलते हैं गैज, वो कंक्रीट होगा। अब पाइल कैप के बाद पियर को इस तरीके से कुछ कंक्रीट किया जाता है गैज, मैकेनिज्म लगा कर, और पियर और साथ में पियर कैप दोनों कंक्रीट हो जाएगा गैज। देखिए, दोनों कंक्रीट हो गया, और प्लस साथ में पेडेस्टल कास्ट भी हो गया है गैज। देखिए गैज, एक चीज़ और है इसमें, क्रैश बैरियर जो नीचे, ये जो है पियर है गैज, पियर का कास्टिंग होगा इसमें, लेकिन जो पीछे में जो ये फोम और क्या लगा है बाहर में, उसको क्रैश बैरियर वहाँ पे लगेगा गैज। ये जो देखो नीचे वाला एरिया है ना गैज, कंक्रीट किया हुआ, वो क्रैश बैरियर के लिए है। और ये पियर कैप तैयार होने का डाला है वीडियो। क्रैश बैरियर गैज इसलिए होता है कि क्रैश बैरियर कोई क्रैश हो तो सिर्फ उसमें प्रभाव होता है, पाइल में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए गैज, फिर से दिखाते हैं, एनिमेशन के द्वारा समझिए। देखिए गैज, पियर कैप तैयार होने का एनिमेशन है गैज। पियर कैप का केज है गैज, ये इस केज को ऊपर से रख के इसको कंक्रीट कर दिया जाता है, और पियर कैप हो गया तैयार। और इसके ऊपर पेडेस्टल कास्ट इसको बोलते हैं गैज, जो ये दिखा रहा है, ये पेडेस्टल कास्ट है गैज। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि पेडेस्टल कास्ट के ऊपर ही गर्डर को रखा जाएगा गैज। गर्डर पेडेस्टल कास्ट के ऊपर रहेगा। और चलिए गैज, थोड़ा गर्डर के बारे में डिटेल में समझते हैं, उसके लिए अलग से वीडियो ऐड किया है, तो देखिए गैज। कास्ट इन सीटू आपका गर्डर किस तरह से प्लेस होगा, कैसे हम लोग कॉन्क्रीटिंग करेंगे, वो इस वीडियो में आप देखेंगे। देखिए, अब क्या है, ये हमारा पियर तैयार है,
ऊपर हमारा शटरिंग प्लेट लग रहा है, फॉर्मवर्क प्लेट लग रहा है, और ये सारा आपका पैनल लग रहा है, पैनल जैक पैनल होता है, और ये जैक पैनल डिफरेंट आपका थोड़ा हाई स्पेसिफिक टाइप ऑफ शटरिंग फॉर्मवर्क है। ये लग गया, गर्डर का शटरिंग लग गया, और गर्डर का शटरिंग लगने के बाद अब रिइंफोर्समेंट लग गया, इसमें रिइंफोर्समेंट प्लेस किया जाएगा ड्राइंग के हिसाब से जो भी ड्राइंग में दिया रहेगा। और रिइंफोर्समेंट जब एक बार प्लेस हो गया, नीचे से हमारा फॉर्मवर्क तैयार है, तो हमारा कंक्रीट पोरिंग स्टार्ट होगा। कंक्रीट पोरिंग कैसे होगा, आप देखिए ये कंक्रीट पोरिंग हो रहा है, ये देखिए कंक्रीट पोरिंग कैसे हो रहा है। तो ये जो कंक्रीट पोरिंग होगा विथ कंपैक्शन, कंपैक्शन भी चालू रहेगा, कंक्रीटिंग भी होगा, इस प्रोसीजर को हम लोग बोलते हैं गर्डर का कास्ट इन सीटू गर्डर है ये। मतलब गर्डर आपका सुपर स्ट्रक्चर पार्ट है, ये साइट पे ही लोकेशन मतलब एट द क्रॉस सेक्शन ही हमारा कंक्रीट पोर हो रहा है। और हेवी स्ट्रक्चर आपका हेवी फॉर्मवर्क यूज होता है यहाँ पे, आपका एमएस स्टील फॉर्मवर्क जैक डिफरेंट जैक लैग के थ्रू आपका ये प्रोसीजर कंप्लीट होता है। एक मैंने साइट का विजुलाइजेशन यहाँ पे ऐड किया है, देखिए ये जो है हमारा यहाँ पे जो पोर्शन है ये वाला, ये पोर्शन हमारा पियर है, ये पियर कैप है, और यहाँ पे जो गर्डर आपका जा रहा है, ये गर्डर की बात कर रहा हूँ मैं जो कि कास्ट इन सीटू है, ये कास्ट इन सीटू गर्डर होने जा रहा है, जो कि यहाँ पे कास्ट, यहाँ पे पूरा आपका चैनल लग गया है, और यहाँ पे कास्ट इन द साइट होगा, मतलब वहीं पे क्रॉस सेक्शन पे कंक्रीट को पोर किया जाएगा। हाँ तो गाइस गर्डर के बारे में आपने देखा, पर ये ज़रूरी नहीं है कि गर्डर वहीं कास्ट हो, या जो मेट्रो का काम चल रहा है हमारा कानपुर में, तो गर्डर को कास्टिंग यार्ड से कास्ट किया जा रहा है और यहाँ पर लाकर सेट कर दिया जा रहा है गैज। तो आगे देखिए, एक चीज़ और बताया था गैज मैंने वीडियो में क्रैश बैरियर के बारे में, तो क्रैश बैरियर जो सबसे नीचे में था जो लगा हुआ, तो इसलिए रहता है गैज क्योंकि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा क्रैश बैरियर, अगर कोई चीज़ उसमें एक्सीडेंट या कुछ होगा तो क्रैश बैरियर पर लगेगा पहले, पाइल को उसमें कोई नुकसान नहीं होगा, क्रैश बैरियर ही टूटेगा या जो होगा थोड़ी आ सकती है प्रॉब्लम, लेकिन पाइल को ज़रा भी नुकसान नहीं होगा, इसलिए क्रैश बैरियर का यूज किया जाता है गैज। ये देखिए गैज गर्डर बना बनाया यहाँ पे सेट कर दिया है गैज, हम लोग ये अभी देख रहे हैं वीडियो टीपी नगर टू नौबस्ता का, तो ये टीपी नगर के नौबस्ता के बीच में ये इतने दूर गर्डर लग गए हैं गैज, लगभग आप लगा लीजिए नौबस्ता से यहाँ तक अपना बारह देवी चौराहा से काफ़ी आगे तक ही गर्डर का काम लगभग हो चुका है, नौबस्ता से आगे अभी चल रहा है काम गज, उधर भी गर्डर लग रहा है, तो देखिए गज। और हाँ गज, बहुत सारे दोस्त हमारे पूछ रहे थे भाई कि कब तक मेट्रो स्टार्ट हो जाएगा, इसका बारे में बताएं, तो देखिए गैज हम लोग नौबस्ता चौराहा पे पहुंच गए हैं, ये हाईवे है, तो मेट्रो स्टार्ट होने का गैज ऐसा है कि अभी कंफर्म डेट नहीं है, बस टेंटेटिव डेट है कि दिसंबर टू मार्च के बीच में स्टार्ट हो जाएगा लगभग अपना मेट्रो, दिसंबर टू मार्च 2025, दिसंबर 2024 मार्च 2025 तक मेट्रो स्टार्ट हो जाने का चांस है गैज। इस पाइल को फ्रैक्शन पाइल, राउंड पाइल या फिर टेंशन पाइल भी बोलते हैं गैज। ओके गैज, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए गैज, आप लोग करते नहीं हैं।